नमस्कार, मैं हूं निहारिका, आप देख रहे हैं खबर हर पल। और अब चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कांग्रेस का सिंधिया पर हमला, पत्रकार वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। महाराजपुरा थाना पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पोषण माह का शुभारंभ मुरैना कलेक्टर कार्यालय में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने किया। और कांग्रेस नेताओं के बैनर हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने घेरा एसपी ऑफिस। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। मंत्री जी ने सभा में बोल दिया कि कांग्रेस कैसे 27 सीटों पर चुनाव जीत जाएगी, सत्ता वाले क्या बैठे रहेंगे, हमें तो कलेक्टर और एसपी चुनाव जिताएगी। आप भी सुनिए उनके इस बयान को। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंछें बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर तुम्हें चाहे कलेक्टर से सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कैसे सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर पकौड़े तले और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया। नरेंद्र मोदी रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, जो सरकार रोजगार दे न सकी वो सरकार करनी है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजगार दो या सिंहासन खाली करो, खाली करो, खाली करो। रोजगार दो या सिंहासन खाली करो, खाली करो, खाली करो। रोजगार दो या सिंहासन खाली करो। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्वालियर, बताएंगे आज पकौड़ी क्यों तल रहे हैं। आज सबसे पहले आप सभी को बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था युवाओं से कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने देंगे हम आपको। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 6 साल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है, 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, जो हमारे आज हमारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी कोई बी है, कोई बी कॉम है, कोई बी टेक है, कोई एम बी है, ऐसे साथी जब सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें जेल में डालने का काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार देना होगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं। 2014 में जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। 2020 आते आते हमारा देश बेरोजगार देश बन गया, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से बना है। आज हमने फूलबाग चौराहे पर पकोड़े तले हैं। नरेंद्र मोदी जी मंचों से कहते हैं कि युवा पकोड़े तले और रोजगार अर्जित करें। आज हम सुबह 10 बजे से पकोड़े तल रहे हैं, हमारे 90 रुपए के पकोड़े अभी तक नहीं बचे हैं, कैसे रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस अंचल संभाग का युवा आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जवाब देने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जब हमारी मांगे भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी तो सड़कों पर आंदोलन, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ युवाओं को हक दिलाने की लड़ाई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही और लड़ेगी। भैया पकौड़े खा ले तुम लोग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर आगमन से पूर्व उनके स्वागत के लिए लगाए गए बैनरों को देर रात नगर निगम द्वारा निकालने की कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया और इसे रोकने की मांग की। इस दौरान सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अभी वो लोग मिलने आए थे कि उनके कार्यक्रम के लिए होर्डिंग और बैनर की परमिशन दी जाए, तो मैंने उनको बोला है कि वो सुबह अप्लाई कर दें और निगम से एनओसी लेके नियमानुसार जो भी उसके नियम होंगे उसके अनुसार परमिशन दी जाएगी। मुरैना कलेक्टर सभागार में राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कहा कि पोषण अभियान कुपोषण को कम करने का भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार एवं खून की कमी निवारण हेतु ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण कार्य योजना जन समुदाय के सहयोग में तैयार की गई है। तो सिर्फ यही चीज देखी गई, बार बार इस पर बात होती है, ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। यानी कि हम जब किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को सुधार
सुधारेंगे तब जाके वो जब महिला बनेगी उसका माँ बनेगी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा वजन का जन्म लेगा और वो मतलब ये कि पूरी साइकिल है। हम केवल बच्चे को अच्छा खाना खिला के एकदम से तंदुरुस्त नहीं बना सकते और बना भी देंगे अगर तो नीचे से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं तो कम वजन के पैदा हो रहे हैं। तो ये लाइफ साइकिल अप्रोच को हमने यहाँ पर किया है टारगेट। और इसमें नेक्स्ट स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं मैं सिर्फ दो तीन आंकड़ों पर ध्यान आपका चाहूंगी। पहला तो ये कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है 99%, केवल 1% है जो घर में होते हैं प्रसव। उसके बावजूद हमारे यहाँ केवल 38% बच्चों को माँ का पहले घंटे में दूध मिल पाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, जो आगे उसकी पूरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पर नहीं हो पाता। दूसरी बात हमारे यहाँ करीब 90% महिलाओं को आयरन की टैबलेट बांटी जाती है लेकिन आप देखेंगे कि केवल 18% महिलाएं ही खा रही है या किशोरी बालिका, तो इस कारण से उनका एनीमिया दूर नहीं हो पा रहा है। गोलियां बट रही है लेकिन खा नहीं रही है वो महिलाएं, उनको जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है वो नहीं कर पा रही है। और ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ता के मीडिया प्रभारी के मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता कर भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया द्वारा दबाव बनाते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को लीज पर लिया गया, वहीं एक रिटायर IAS के माध्यम से कई कार्यों को भी करवाया। बिना दस्तावेज के नहीं करेंगे और यदि वो गलत है तो मैं दल बदलू सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं उनके पूरे घराने को चुनौती देता हूं कि वे हमारे खिलाफ दौड़ जाएं, हमें सजा करवाएं और हमें जेल भेज दें। इतनी बड़ी चुनौती मैं दे रहा हूं आपके माध्यम से। लगातार तेजता बढ़ती जा रही है चुनाव के दौरान। कल पोस्टर हटाने का मामला भी था, उसके बाद मंत्री भी आए, मंत्री ने भी झड़प की। क्या लगता है किस तरह जा रही है? जनमत को खरीद के पैसों से खरीद के जो सरकार इसके खिलाफ और इसलिए वो एक स्वागत करना चाहते हैं बहुत स्वागत कमलनाथ जी का और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है इसका कल विरोध किया हमारे मेरी भी बात कह दिया सरकारें आती जाती रहती है इस पॉलिटिक्स में आप न पड़े। जो स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री जनता जनता कर रही है आज जनता में उत्साह है इसको रोको नहीं तो ईद के जवाब उत्तर दे देंगे और ये राजनीति में आपको पता नहीं जनता प्रशासन का कहना है कि रोड शो किसी भी कीमत पर रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या लगता है रोड शो की अनुमति प्रशासन नहीं देगा? उसके बाद ये रोड शो नहीं है, कमलनाथ जी एयरपोर्ट से निकल कर चौदह मील शिवाई के समाधि फूल अर्पण करेंगे और रस्ते में जो लोग होंगे वो उसमें ये भी कह दिया कि फूलों से या उससे स्वागत करते हैं दूध की माला जो महात्मा गांधी उससे स्वागत डिस्टेंस के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जवाब से सिंगरौली NCL निगाई परियोजना प्रबंधन के सेनापति नेतृत्व में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। सिंगरौली NCL निगाई परियोजना के खान प्रबंधक सेनापति के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग व शांतिपूर्वक विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए मनाया गया है, जिसमें बिना कोई शोर शराबा आतिशबाजी के श्रद्धा भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की गई तथा सभी आए हुए भक्तगणों को फल और मिष्ठान भंडार वितरित किया गया। इस शुभ कार्य में खान प्रबंधक सेनापति के साथ उनके सहयोगी कोल यूनियन के नेता RC प्रसाद, HD तिवारी, राजाराम मरावी, दिलीप पांडे, KK सिंह, कमलेश्वर पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। सिंगरौली से हमारे संवाददाता राजेश सजग की खबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर उंगली उठाई और ग्वालियर के विकास में अवरोध करने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
21 महीने बाद ग्वालियर आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में कमलनाथ ग्वालियर की जनता को भ्रमित और गुमराह करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर ग्वालियर आने की चेष्टा नहीं की और ना ही ग्वालियर में किसी प्रकार के विकास कार्य को गति देने का प्रयास किया। यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। दरअसल कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर इन दोनों भाजपा सक्रिय है और उनके दौरे का ग्वालियर में जमकर विरोध भी किया जा रहा है। इसी के चलते इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें बताया गया कि किस तरह से कमलनाथ ने ग्वालियर का विकास होने नहीं दिया और ना ही वे मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर आए। इस दौरान कई विकास कार्य ग्वालियर न होते हुए छिंदवाड़ा में किए गए और कई विकास कार्यों के लिए पैसा न देते हुए उन्हें रोक दिया गया। इस संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कई सवालों के जवाब भी दिए। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। राकेश माहौल जी उपस्थित हैं, आग्रह है कि हमारे नेता आपके सामने विषय रखेंगे, उसके बाद आप एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए कमलनाथ जी सुखी थे, जब जनता को जरूरत थी तब तो आए, जब ग्वालियर चंबल में बाढ़ आई थी तब तो आए नहीं थी, जब लोगों को उनको कोरोना के संकट में ग्वालियर की जनता को जरूरत थी, भुखमगरी पड़ रही थी उस समय तो आए नहीं थे। ग्वालियर का जब मुख्यमंत्री थे जीएच हॉस्पिटल का काम रुक गया उस समय तो आए नहीं, चंबल एक्सप्रेस के लिए पैसे की जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब उनकी कुर्सी खतरे में चली गई है तो जरूर आ रहे हैं, तो जनता सब समझती है दोस्तों, इसलिए कोई तैयारी की बात नहीं। ये जरूर है कि प्राइवेट लिमिटेड ने जो चंदा इकट्ठा कर लिया था, ऐसा जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा कर लिया था, वो इस सड़कों में दिखेगा। 200-400 गाड़ी किराए पे की जा रही है, छिंदवाड़ा से, रतलाम से, भिंड से, मुरैना से, सब जगह से, पूरे मध्य प्रदेश से 10-10, 5-5, 20-20 लोग गाड़ी लेके आएंगे, वो जलवा दिखाएंगे कि ग्वालियर में 500 गाड़ी, किसको पता 500 गाड़ी आई कहाँ से, कि छिंदवाड़ा से भी 25 आई है, रतलाम से भी आई है, तो पूरी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड इसी बात के लिए लग गई। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं लोकप्रियता बढ़ गई है तो हम सब करें ना चले मेरा मैदान में, परमिशन कहाँ देगा, लोकप्रियता पता बढ़ जाएगी, चाहे जनता के बीच क्यों घबरा रहे हैं, पूछे जनता से, जनता सीधे पूछ रही है क्या दिया तुमने, कहाँ थे 15 महीने, जनता ही पूछ रही है। आपके एक साथी मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सीटें हारते दिखे तो ये मुझे नहीं पता। ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में 2 ग्वालियर चकरायपुर गांव के रहने वाले हैं जबकि 1 बदमाश यूपी के इटावा का रहने वाला बताया गया है। ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में 2 ग्वालियर के चकरायपुर गांव के रहने वाले हैं जबकि 1 बदमाश यूपी के इटावा का रहने वाला बताया गया है। यूपी के अनस खान को पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था, वह हत्या के मामले में 2 साल इटावा जेल में बंद भी रह चुका है। पुलिस को मुखबिर ने सूचना मिली थी कि ग्राहक की तलाश में चकरायपुर आए हुए थे। इस सूचना पर महाराजपुरा पुलिस जहां भूरा जाटव बंटी जाटव अनस खान किया गया उनके कब्जे से एक 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 1 पिस्टल बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों ने हथियारों को बेचने के लिए आना बताया था। आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। थाना महाराजपुरा में ग्राम चकरायपुर में रहने वाले फूला जाटव बंटी जाटव और अनस खान को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के कट्टे और 1 पिस्टल बरामद हुई है और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये गिरोह बना करके हथियारों की सप्लाई का काम कर रहे थे ऐसी अभी शंका है और ऐसी सूचना मिली थी। इनसे पूछताछ की जा रही कि इनके द्वारा और भी किन लोगों को अवैध हथियार सप्लाई किए गए। इसमें से जो अनस खान है ये पूर्व में 302 में मर्डर के आरोप में इटावा जिले में 2 साल जेल में रह चुका है और इनके और भी आपराधिक बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर ये कहाँ से लाते थे? अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पिस्टल और ये इटावा से लाए गए थे, इटावा में इसकी रिश्तेदारी है
और उस और पूछताछ की जा रही है। तो कोई वारदात करने के लिए लेके आया था या फिर बेचने के लिए लेके आया था? अभी तक समझ में आ रहा है कि ये बेचने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हर दिन किसी न किसी तरह की सेवा को आम जनता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को प्रदेश भर में 70 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। ग्वालियर में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषांगिक संगठन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हर दिन किसी न किसी तरह की सेवा को आम जनता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को प्रदेश भर में 70 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। ग्वालियर में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लगाए गए इस कैंप को काफ़ी प्रचलित किया गया था। यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया जाना था। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा, उन्हें स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार स्थापित करने में मदद की है। किस तरह का संदेश देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया है। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। किसी दिन स्वच्छता का अभियान है, किसी दिन वृक्षारोपण का अभियान है, किसी दिन कृत्रिम अंग वितरण करना है। आज फल वितरण का अभियान भी अलग अलग इकाइयों ने जगह जगह पर किए हैं और कई स्थानों पर हर मध्य प्रदेश के अंदर 70 ब्लड डोनेशन के कैंप माननीय प्रधानमंत्री के इस सेवा सप्ताह के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने लगाए हैं। इसमें आज ग्वालियर के युवा मोर्चे ने ब्लड डोनेशन का कैंप यहां पर किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को शतायु होने के लिए हम सब लोग ये कामना करते हैं कि उनके 70वें जन्मदिवस पर उनको और शक्ति मिले और देश की सेवा करने में जिस प्रकार से गति से काम कर रहे हैं और वो तेज गति से काम करने के लिए सशक्त और सक्षम बने हमारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस आज प्रधानमंत्री के जन्म को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने पकौड़े भी देखिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, जिनके पास कुछ बचा नहीं हो उनका आप क्या कर लोगे? वो झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि जमीन नहीं है, कुछ है नहीं, जमीन खिसक गई है पूरी। सिंधिया जी ने उनकी पूरी जमीन ही खिसका दिया है यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा ताकतवर संगठन खड़ा है, होने वाले उपचुनाव में उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो झूठ भ्रम छल और कपट ये उनके आधार हैं, जिसके आधार पर फिर वो करने का प्रयास करेंगे और वो लगातार इसी काम को करते आए हैं। लेकिन ग्वालियर की जनता ये जानती है, चंबल की जनता ये जानती है कि इन्होंने हमारे साथ छल किया था, धोखा दिया इस जनता को कि जनता ने आपको जनमत दिया था, आपने विकास के नाम पर एक पैसा ग्वालियर चंबल में नहीं लगाया, आपने केवल छिंदवाड़ा की ओर वहीं की चिंता की, आपने ग्वालियर चंबल की तो कोई चिंता की नहीं। इसलिए अब आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करें, आप झूठी बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके व्यापारी भी आज आपसे मिले, उनसे मिला हूं मैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं उनका बिल्कुल समाधान करने का प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया है कि सिंधिया ने जमीन के खेल को लेकर अपनी सरकार गिराई थी कांग्रेस की, इसलिए बीजेपी सरकार। अब ये तो किसने सरकार गिराई थी, कांग्रेस प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं टेंडर लेकर के, उनसे जरा पूछिएगा कि उमंग सिंगार ने भी यही किया था क्या? उमर सिंगार ने कहा था जब कैबिनेट मंत्री थे कि कमलनाथ जी की सरकार को कैबिनेट नहीं चलाती, कैबिनेट के निर्णय यहाँ नहीं होते, यहाँ पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते हैं, शैडो मुख्यमंत्री काम कर रहा था, ये उनके मंत्री ने कहा था। गोविंद सिंह ने क्या कहा था आप लोग जानते हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है, भ्रष्टाचार इतना मचा है, तब तो सरकार नहीं गिरी थी। सिंधिया जी ने तो उन बातों को कहा कि वचन पत्र के जो मुद्दे थे, चाहे किसानों के मुद्दे हों, नौजवानों के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, गरीबों के मुद्दे हों, आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल छिंदवाड़ा की तरफ देख रहे हैं। ग्वालियर चंबल को आपने बिल्कुल अवहेलना कर दी, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरने की बात की, इन्होंने चैलेंज किया, वो उतर गए, सड़क जमीन पर आ गई। कांग्रेस बराबर सवाल खड़ी कर रही है 70 साल से कि अभी तक तो बीजेपी हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रहती थी, लेकिन अब 6 साल से बीजेपी की सरकार है, रोजगार युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि जरा वो जाकर के आंकड़े देख लें। हमने तो रोजगारों को बेरोजगारों को नहीं, प्रदेश के देश के नौजवानों को सक्षम बनाया मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इतनी बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को,
कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी पहला हक संसाधनों पर, रोजगारों पर मध्य प्रदेश के नौजवानों का है। कमलनाथ जी, इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो, और हर जगह पर इस प्रकार की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, चाहे स्किल के माध्यम से हो, चाहे उनको तैयार करके नौकरी के माध्यम से हो, हर प्रकार से नौजवानों को अवसर रोजगार देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। कल के दिन जिस दिन कांग्रेसी क्या घेराव करेंगे, गुंडागर्दी करते हैं वो तो, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी करने का प्रयास किया दुर्भाग्यजनक है, लेकिन कानूनन नगर निगम अगर ये कहता है कि आपने परमिशन लेकर के होर्डिंग लगाना चाहिए तो बिल्कुल लगाना चाहिए परमिशन लेकर के, बिना परमिशन के लेकर आप कुछ भी करेंगे ये कहाँ का नियम, कहाँ का कानून? जानता कि बगल में बीजेपी की भी, अरे बीजेपी के होर्डिंग या कांग्रेस के होर्डिंग, मेरा कहना है कानूनन जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। हजीरा थाना पुलिस ने अपहरण की गई नाबालिग को दिल्ली से छुड़ाने में सफलता हासिल की है। वहीं अपहरण के आरोपी नकुल उर्फ विजय रजक निवासी यादव धर्म काटा को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी में पुलिस द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस थाना हजीरा ग्वालियर ने नाबालिग अपहर्ता को दिल्ली से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। वहीं अपहरण के आरोपी नकुल उर्फ विजय रजक निवासी यादव धर्मकाटा को भी गिरफ्तार किया है। 17 सितंबर को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी, एडिशनल SP ग्वालियर पंकज पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक मारसपुरा ग्वालियर रवि भदौरिया के मार्गदर्शन पर पुलिस थाना हजीरा ग्वालियर के थाना प्रभारी आलोक सिंह परियार के नेतृत्व में पुलिस थाना हजीरा की टीम ने 16 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर नाबालिग छात्रा निवासी बिलर नगर लाइन नंबर 2 को दिल्ली से दस्तयाब किया। व आरोपी नकुल उर्फ विजय रजक पुत्र रामाधार उम्र 18 वर्ष निवासी यादव धर्मकाटा को पास से हजीरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी नकुल रजक और विजय 20 अगस्त को नाबालिग छात्रा को शादी करने का लालच देकर बेला फुसलाकर भागकर ले गया था। वह राज बनिया का मकान चंदनपुरा बिहार थाना निहाल बिहार दिल्ली में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी आरोपी नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का अपराध गठित कर चुका है। हजीरा में अपराध क्रमांक 261/20 धारा 363 IPC पंजीबद्ध है। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी दी। थाना हजीरा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर एक आरोपी भगाकर ले गया था, जिसे दिल्ली से हजीरा पुलिस बरामद करके लेके आई है। आरोपी का नाम नकुल और विजय रजक है, जो बिरला नगर का रहने वाला है। इसकी ये पढ़ता है अभी, कोई ऐसा कोई व्यवसाय नहीं, 18-19 वर्ष की उम्र है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सुमावली में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए लोगों के फोटो पहचान कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा की जा रही इस द्वेषपूर्ण कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को ज्ञापन सौंपा, इस संबंध में कार्रवाई की मांग भी की। थाना सराय छोला और सिविल लाइन पुलिस द्वारा फोटो पहचान कर उनके घरों पर दबिश की जा रही है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसमें बंधा निवासी भोला गुर्जर पर धारा 151 की कार्रवाई कर दी है और भी अनेक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन देकर सुमावली विधानसभा में निर्दोष व्यक्तियों पर कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज न हो और न ही किसी को बिना जांच के गिरफ्तार किया जाए। चाहती है बीजेपी बौखला गई है, उन्हें लग रहा है कि हमारी सारी सीट हाथ से जा रही है मध्य प्रदेश से, सिर्फ इसलिए गुंडागर्दी कर रही है। तो ये स्पीड कार्रवाई, मतलब अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, उन्होंने वो पुलिस का सहयोग लेके और उनको टॉर्चर करने की कोशिश की है, और इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी हमारे KP कंसाना की देंगे, जो इनके साथ में सारी घटनाएं घटी हुई। अम्बाहा तहसील के ग्राम पंचायत जोहा में सरपंच के द्वारा मनरेगा के कार्य को नियम विरुद्ध JCB मशीनों एवं ट्रैक्टर द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही इसी जगह दो गांव को जोड़ने के लिए पुलिस का निर्माण करवाना था, जो कि मंजूर है, लेकिन अभी तक सरपंच का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही ब्लॉक CEO ललित चौधरी के द्वारा अभी तक किसी भी सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुमारपुरा मुरार निवासी 22 वर्षीय अमर जाटव की पानी में डूबने से मौत हो गई। अमर के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। मुरार के कुमारपुरा में रहने वाले 22 वर्षीय अमर जाटव पुत्र राधेश्याम की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल वह अपने मित्र के साथ घूमने के लिए निकला था, जिसमें राहुल नाम के युवक पर उसे घर से ले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया और कहा कि उसकी हत्या की गई है और हत्यारों को पकड़ा जाए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। ओ बेटा
करेंगे बहुराज की। जसवंत नगर विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों को फल वितरित किए गए। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। जसवंत नगर विधानसभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विवेक शाक के उर्फ गुड्डू के होटल पर मनाया। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंत नगर में कोविड-19 के भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। उसके बाद गुलाबबाड़ी बाड़ में स्थित वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि समाज के द्वारा मोदी जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बच्चों को बिस्किट वितरित कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जो 14 तारीख से 20 तारीख तक मनाते हैं। 14 तारीख को युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान हुआ और फिर 15 तारीख को पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चश्मा वितरण, गरीबों और असहायों में चश्मा वितरण का कार्यक्रम हुआ। कल भी फल और बिस्किट और बच्चों में मिठाइयों का वितरण किया गया। आज युवा महिला मोर्चा द्वारा भी फल वितरण और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जनप्रतिनिधियों ने कृत्रिम यंत्र गरीबों के दिए और आज सभी इसी तरह से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। और आज कहां कहां कार्यक्रम किए? आज मैंने इटावा सदर में फल वितरण किए, गरीब बस्ती में जाकर बच्चों में और गरीबों में, और फिर जसवंत नगर विधानसभा में पहुंचकर वहां फौजी होटल में मोदी जी का जन्मदिन दिवस मनाते हुए फिर जसवंत नगर पहुंचकर मलिन बस्ती जहां बोलते हैं मलिन बस्ती में पहुंचकर वहां पर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया और बच्चों और बूढ़ों बुजुर्गों में फल और मिठाई बिस्कुट टॉफियां वितरण करके बड़ी हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मनाया और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए बहुत बहुत होगी। आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहें खबर हर पल के साथ।